वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, आई एम प्रियांश दुबे और आप देख रहे हैं मेडिकल केयर इंस्टीट्यूट इंदौर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को। आज जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं वो टॉपिक है बाल विकास और शिक्षा शास्त्र। बाल विकास के बारे में अगर बात करी जाए तो इस टॉपिक में आपके बारे में अगर इस टॉपिक का रिलेशन देखा जाए एग्जाम से तो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ये टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को और लेक्चर में बात करेंगे हम बाल विकास शिक्षा शास्त्र से संबंधित कुछ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। सबसे पहले अगर किसी क्वेश्चन की बात करी जाए तो पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि संकल्पनाएं का संबंध बच्चों द्वारा संकल्पना निर्माण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो संकल्पनाएं संवेगात्मक रूप से सुव्यवस्थित होती हैं, संकल्पना विकास की एक निश्चित संरचनात्मक व्यवस्था होती है, संकल्पनाएं की प्रकृति पदानुक्रमित नहीं होती और संकल्पनाएं व्यक्तिगत नहीं होती है। तो इसमें से अगर देखा जाए तो कौन सा स्टेटमेंट सही है। एक चीज में बिल्कुल पर्टिकुलर सही है कि देयर इज अ सेट पैटर्न ऑफ कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट, यानी कि जो संकल्पनाएं होती हैं उनका पूरा का पूरा डेवलपमेंट का एक पर्टिकुलर पैटर्न होता है, उसी पूरे के पूरे पैटर्न में संकल्पनाएं डेवलप होती है। तो आंसर क्या सही हो गया, संकल्पनाएं का डेवलपमेंट का एक पर्टिकुलर पैटर्न होता है। किसके द्वारा बच्चों के बौद्धिक विकास के चार अलग अलग चरणों को प्रदर्शित किया गया था, किसने ऐसा इसको प्रदर्शित किया था, तो ये प्रदर्शित किया था पिगेट ने। पिगेट का अगर देखा जाए तो ओवरऑल चाइल्ड डेवलपमेंट और बाल विकास में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इन्होंने पूरे का पूरा रिसर्च के बारे में। तो इनके इन्होंने ही बताया था कि इसके चार चरण होते हैं। एक शिक्षक भावनात्मक रूप से अधिक मेधावी, इसका मतलब क्या होता है, भावनात्मक रूप से अधिक मेधावी होने का मतलब क्या होता है। अगर देखा जाए तो भावनात्मक रूप से मेधावी होने का मतलब क्या होता है कि शी हैज इक्वानिमिटी ऑफ बिहेवियर, यानी कि वो हर कंडीशन में समान तरीके का व्यवहार कर सकती है, ऐसा बहुत ज्यादा हाइपर नहीं होते, बहुत ज्यादा अलग नहीं हो सकते, हर उनके व्यवहार में समता रहती है। सीमा हर पार्ट को बहुत जल्दी सीख लेती है जबकि लीना उसे सीखने में ज्यादा समय लेती है। विकास के डैश सिद्धांत को दर्शाता है, तो यह विकास के किस चीज को सिद्धांत को दर्शाता है, तो यह व्यक्तिगत विभिन्नता के सिद्धांत को दर्शाता है। इसका मतलब यह होता है कि अगर दो इंडिविजुअल अलग अलग है तो दोनों में उनकी लर्निंग एबिलिटीज, उनकी पर्सनैलिटी, हर चीज में डिफरेंस होता है। तो ये क्या डिफरेंस बताता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यानी कि दो व्यक्तियों में अलग अलग डिफरेंसेस हो सकते हैं। कोई एक चीज को जल्दी सीख सकता है, किसी को उसी चीज को सीखने में थोड़ा टाइम लग जाता है। संवेगात्मक रूप से अभिप्रेरित बच्चों की मुख्य विशेषता क्या है, तो संवेगात्मक रूप से अभिप्रेरित बच्चों की मुख्य विशेषता क्या है, तो मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इमोशनली मोटिवेटेड चिल्ड्रन इज देयर, क्या होते हैं उनकी विशेषता, तो अपने विचार को प्रकट करने का उनका जो मतलब अगर देखा जाए वो अपने विचार को बहुत संतुलित तरीके से प्रकट कर सकते हैं। ये संवेगात्मक रूप से अभिप्रेरित बच्चों की मुख्य विशेषता होती है कि जो अपने उनके विचार रहते हैं, जो सोचते हैं उसको बहुत क्लियरली एक्सप्लेन कर देते हैं। प्रगतिशील परिवारों में बच्चों की इसमें अपेक्षाकृत कौन से प्रेरक अधिक प्रबल होता है, संवर्धन, जिज्ञासा, उपलब्धि और आक्रामकता, यानी कि एफिलिएशन, क्यूरियोसिटी, अचीवमेंट या एग्रेशन, तो इसमें से कौन सा उनमें प्रेरक होता है, सबसे ज्यादा कौन सी चीज पाई जाती है। तो अगर कोई बहुत संपन्न परिवार को बिलोंग कर रहा है तो उसमें एक अचीवमेंट की भावना रहती है, यानी उसने लाइफ में बहुत कुछ ऑलरेडी अचीव करके रखा है, तो उसमें उपलब्धि की भावना या उपलब्धि से संबंधित प्रेरक बहुत प्रबल मात्रा में होता है। द मोस्ट अप्रोप्रिएट वे ऑफ एक्सप्लेनिंग द टॉपिक प्यूरिफिकेशन इज वाटर बाय, यानी कि अगर आपको एक टॉपिक एक्सप्लेन करना है, इस टॉपिक का नाम है प्यूरिफिकेशन ऑफ द वाटर, तो इस टॉपिक को आप किस तरीके से एक्सप्लेन करोगे, इस टॉपिक को सही तरीके से एक्सप्लेन करने का तरीका क्या होता है। तो अगर इस टॉपिक को आप सही तरीके से एक्सप्लेन करना चाहते हो तो आपको क्या करना चाहिए, इसका आपको एक प्रैक्टिकल लाइव एग्जाम्पल को दिखाना चाहिए, यानी कि उनको एक ऐसे प्लांट के पास ले जाना चाहिए जहां पर एक्चुअल में वाटर का प्यूरिफिकेशन हो रहा हो। तो इस तरीके से बच्चा क्या होगा कि बच्चा एक्चुअल में प्रैक्टिकली चीजों को देख के ज्यादा जल्दी सीखता है और उस तरीके से उस चीज को जल्दी सीख सकता है। अधिगम निरयोग के बच्चे सामान्यतः यानी लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन जनरली शो, क्या प्रदर्शित करते हैं, तो यानी कि जो जिनमें बच्चों में लर्निंग एबिलिटी स्लो रहती है वो क्या प्रदर्शित करते हैं, तो वो आपका प्रत्यक्षणात्मक विकार प्रदर्शित करते हैं, यानी कि परपेचुअल डिसऑर्डर वो प्रकट करते हैं। इनमें से कौन सी समझने के लिए शिक्षण को प्रतिबिंबित नहीं करता है, समझने के लिए चिल्ड्रन टीचिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग को प्रतिबिंबित कौन नहीं करता है, तो इसको कौन प्रतिबिंबित नहीं करता है, अलग तथ्यों प्रक्रियाओं को याद करने के लिए सक्षम बनाना, यानी कि एनेबल स्टूडेंट्स टू मेमोराइज आइसोलेटेड फैक्ट्स एंड प्रोसीजर, दिस इज नॉट अबाउट टीचिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग, यानी कि यहाँ पर आप समझ नहीं रहे हो, आप चीजों को बस याद करने की कोशिश कर रहे हो। निर्देश सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए और निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्राकृतिक प्रेरणा का दूसरा रूप क्या होता है, तो प्राकृतिक प्रेरणा का दूसरा रूप क्या होता है, ये चीज आपको बताना है। प्राकृतिक प्रेरणा का दूसरा रूप क्या होता है, आंतरिक प्रेरणा, यानी कि नेचुरल, जब आपको अंदर से सेल्फ मोटिवेशन आए तो इसे क्या बोलते हैं, प्राकृतिक प्रेरणा। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए, तो मूल्यांकन यानी कि असेसमेंट का जो मेन पर्पस होना चाहिए,
असेसमेंट के ऊपर हम बहुत बार बात कर चुके हैं, बहुत क्वेश्चंस में बात करने कर चुके हैं। तो असेसमेंट का जो मूल पर्पस होना चाहिए, इसका मतलब होना चाहिए निदान करना और अधिगम में अंतराल का उपयोग कराने करने के लिए। हमें चाहिए कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को क्या करना चाहिए, विशेष आवश्यकता वालों बच्चों को कोई शिक्षा नहीं देना चाहिए, केवल व्यवसाय शिक्षा देना चाहिए, अलग करके भिन्न विद्यालय में रखा जाना चाहिए, या विशेष व्यवस्था वाले नियमित ढांचों में शामिल करें, यानी कि जहां पे कोई रेगुलर सेटअप हो लेकिन थोड़ा स्पेशल प्रोविजन के साथ उन ढांचों में शामिल करना चाहिए। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अपनी कक्षा में विविधता को संभालने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए, तो अगर किसी शिक्षक की कक्षा में बहुत ज्यादा विविधता है या फिर डाइवर्सिटी है तो उसे क्या करना चाहिए, शिक्षक को शिक्षार्थियों के सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों के प्रति संवेदनशील होने की आवश्यकता है, यानी कि कौन किस बैकग्राउंड को बिलोंग कर रहा है ये टीचर को पता होना चाहिए, और ही शुड बी वेरी सेंसिबल अबाउट द काइंड ऑफ बैकग्राउंड स्टूडेंट बिलोंग्स टू, यानी कि जो स्टूडेंट का बैकग्राउंड है उसके बारे में बहुत ज्यादा सेंसिबली बिहेव करना चाहिए और बहुत ज्यादा मैच्योरिटी बिहेव करना चाहिए। गूंगे बच्चे को शिक्षा उपलब्ध कराना चाहिए सामान्य बच्चों के साथ विशेष विद्यालयों में माता पिता की उपस्थिति में, विशेष विद्यालयों में सामान्य शिक्षकों द्वारा, विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों द्वारा। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर कोई बोल नहीं सकता तो हमें क्या चाहिए कि हम उसे किसी स्पेशल स्कूल में डालें और वहां पे जो टीचर्स हों वो इस चीज में एक्सपर्ट हो और वो उसे अच्छे तरीके से सिखा सके। तो विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों द्वारा उसको शिक्षा प्रदान कराना चाहिए। अधिगम अक्षमता अशक्तता वाले बच्चे को अलग संस्थान में डाला जाए, ना कि मुख्यधारा विद्यालय में। नियमित विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार है जहां उनके लिए विशेष व्यवस्था की गई हो, तो ऑब्वियसली यही चीज करना चाहिए कि उन्हें एक नियमित रेगुलर स्कूल में डालना चाहिए, बट उनके लिए कुछ स्पेशल प्रोविजंस होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नियमित विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने का पूरा अधिकार है जहां पे विशेष व्यवस्था करी गई हो। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मिलता हूं मैं आपसे अगले लेक्चर में। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और अगर आप एमपीपीएससी एसएससी संविदा बैंकिंग और इसके अलावा रेलवे किसी भी की भी बैंक ज्वाइन करना चाहते हो तो हमारे किसी भी ब्रांच में विजिट कर सकते हो। और इसके अलावा अगर आप टेस्ट सीरीज परचेस करना चाहते हो एमपीपीएससी की, तो आप एमपीपीएससी की टेस्ट सीरीज को 49 rupees के प्राइस पे परचेस कर सकते हो हमारी वेबसाइट से। और वेबसाइट आप विजिट करना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट है www.pinnacle.edu.in, इस वेबसाइट पे जाके आप टेस्ट सीरीज को परचेस कर सकते हो। तो स्टे ट्यून, टेक केयर, मिलता हूं मैं आपसे अगले लेक्चर में।